मंडला के घुंघरी थाना के अंतर्गत ग्राम बमहनी शिवला टोला से एक मामला सामने आया है, जहां 16 वर्षीय ममता नाम की लड़की दो दिन पहले अपने घर से गायब हुई थी, फिर उसका शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। मृतका के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। आखिर यह हत्या है या आत्महत्या, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन परिजनों का कहना है कि मृतका के शरीर में चोट के निशान थे और उसकी हत्या की गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। सर जी, इस बच्ची को जो पुलिस वाले ने इसके हालत देखो करके बोली तो अंदर गए तो उसके दर्द पीड़ा चोट घाव बहुत बुरी हालत थे सर। उसके सीने में खरोज, उसके सीने में बहुत से चोटें और जाके जांघों में भी बहुत से चोटें देखने को मिले सर, अंदरूनी चोट। इन सब मिलने की कोई खूबी नहीं दिख रहा है सर, तो इंसाफ हमें चाहिए सर। बहुत से बहुत ध्यान देते हुए इंसाफ मिलने के ध्यान देने की दया करें सर, उसका सही जांच पड़ताल किया जाए सर, आप ही हैं। युवती गायब हुई थी 17 वर्ष की और ये पास के गांव की थी, जो है डेड बॉडी खेत में ही पाई गई थी। इसे पुलिस ने संज्ञान में लिए और कार्रवाई की। इसके जो पीएम रिपोर्ट है और आगे की जो स्थिति उससे जानकारी और स्पष्ट होगी कि क्या वैसी कोई घटना तो नहीं घटी थी उनके साथ। अभी प्रथम दृष्टिया तो हैंगिंग से ही संबंधित है और पीएम रिपोर्ट जो आ जाएगी तो उससे और पुष्टि होगी और एफएसएल की भी जानकारी इसमें ली जाएगी।